हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन की सूचना दी है, उसमें जो विचार निहित हैं उसको मैं दो शब्दों में रखना चाहता हूँ। इस विवाद ने जिस तरह का स्वरूप धारण किया है, मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो शायद उन्हें इस बात की कल्पना नहीं होगी कि यह विवाद इस तरह का रूप धारण कर लेगा। जिस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसमें उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई नया विवाद खड़ा करने की कल्पना नहीं है। हमारे देश ने 1000 वर्ष के पश्चात फिर से राजनीतिक एकता प्राप्त की है और एक एकता को बदमूल करने की आज आवश्यकता है। यह ठीक है कि एकता की यह भावना हमारी एक संस्कृति के आधार पर प्रतिष्ठित है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम एकता को पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसे पग उठाने पड़ सकते हैं जो कि आज की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हो। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ वर्षों से दक्षिण में जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प किया है और संपूर्ण देश ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है कि वह वर्ष में एक बार नई दिल्ली से बाहर जाएं, किसी दूसरे प्रदेश में और वहाँ की जनता को भी उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आकर इस बात का अनुभव हो कि वस्तुतः हमारी जो एकता है वह स्थायी एकता है, व्यवहार्य एकता जो कि क्षण प्रतिक्षण हमारे अनुभव में आती है। मैं समझता हूँ लोकसभा के अधिवेशन को दिल्ली से बाहर रखने के पीछे जो भी कारण है, बाहर रखने के पीछे भी यही भावना है। प्रश्न राजधानी को बदलने का नहीं है, राजधानी तो दिल्ली ही रहेगी, यहीं पर वह दिल कल यह वह किल्ली गाड़ी गई थी जो ढिल्ली हो गई, इसलिए यह दिल्ली हो गई। वह कील तो अभी तक गड़ी है और उसको उखाड़ने का कोई प्रयत्न हो भी नहीं रहा है और करना भी नहीं चाहिए। प्रश्न तो केवल इतना है कि क्या हमारे लिए लोकसभा का एक अधिवेशन बंगलौर में या हैदराबाद में करना संभव है। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विध्यांचल के उस पार के लोग हैं वे
इस प्रकार की अधिवेशन का स्वागत करेंगे और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां अधिवेशन करने में अनेक व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइयां हैं। स्टॉप।